पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने मतलब एक नहीं दो नहीं तीन तीन पीएचडी की हुई थी, वो इस लेवल के विद्यार्थी थे, अमेरिका और इंग्लैंड में इतना विस्तार में पढ़ गए थे चीजों को। यदि कानून के मामले में कोई एक व्यक्ति उनके बराबरी में खड़ा होता था तो वो थे बी एन राव, और वो संविधान सभा के एडवाइजर थे। जब संविधान बन गया, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा साइन हुआ, तो 25 नवंबर 1949 की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने खड़े होकर ये बात कही सभा के सामने कि लोग मुझे श्रेय दे रहे हैं कि मैंने संविधान बनाया है, भविष्य में भी ऐसा करेंगे, लेकिन मैं खुल के कहना चाहता हूं कि संविधान बनाने में जितनी भूमिका मेरी है लगभग उतनी भूमिका बी एन राव साहब की भी है, इनकी मदद के बिना संविधान हम ऐसा नहीं बना पाते।